नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पी के बी एचू ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको BBSC और BTech डेयरी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, BBSC और BTech डेयरी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन फॉर्म है वो एंड हो चुके हैं। अगर आपने इनके लिए अप्लाई कर दिया है और आपसे कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म के अंदर, तो आप उस मिस्टेक को चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों लुआस ने एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस डाला है जिसके अंदर आपको डेट बताई गई है, उससे पहले आप अपने एडमिशन फॉर्म के अंदर अपनी मिस्टेक को करेक्ट करवा सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक ईमेल दी गई है, इस ईमेल पर आपको एक ईमेल सेंड करना है आप जिस भी मिस्टेक को करेक्ट करवाना चाहते हो, जैसे कि कैटेगरी होगी या कोई अदर मिस्टेक है उसको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने अपनी कैटेगरी चेंज करवानी है, जैसे कि आप OBC में हो और जनरल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपने जनरल के लिए अप्लाई करना था और आपकी कैटेगरी है वो OBC सेलेक्ट हो गई, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईमेल सेंड करने पड़ेगा। उसके बाद में आप जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस ही वो ज़्यादा थी दोस्तों, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लुआस के अंदर भेजनी पड़ेगी। और जिन कैंडिडेट ने जनरल कर दी और उनको OBC के लिए अप्लाई करना था, तो उनकी वो फ़ीस है वो उनको रिफ़ंड कर दी जाएगी। दोस्तों इसकी लास्ट डेट है वो 21/6/2019 है, यानी कि आप 21 तारीख से पहले पहले अपने फॉर्म के अंदर मिस्टेक करेक्ट करवा सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है, द टाइमिंग फॉर पर्सनल विजिट ऑफ कैंडिडेट शैल बी 7:30 AM to 1:30 PM, यानी कि आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर अपने फॉर्म को करेक्ट करवाना चाहते हो तो आप इस टाइमिंग के अंदर आप जा सकते हो। द ईमेल रिसीव्ड आफ्टर 22/6/2009 विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर करेक्शन, यानी कि जब भी आप 21 तारीख के बाद में मेल करोगे तो वो आपकी ईमेल कंसीडर नहीं की जाएगी, यानी कि आपके फॉर्म के अंदर करेक्शन नहीं हो पाएगी। दोस्तों अगर आप के फॉर्म के अंदर करेक्शन करवानी है आपको, तो आप 21 तारीख से पहले करेक्ट करवा सकते हैं, इनको आप ईमेल सेंड कर दीजिए और ये अपने आपकी करेक्शन कर देंगे। दोस्तों यही थी छोटी सी अपडेट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।